तो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे अफशान। अभी रेडियो उड़ान का कन्वेंशन चल रहा है, 10th ईयर सेलिब्रेट हो रहा है और अभी हम जुड़े हैं आरजे विदित से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ विदित और आप सुन रहे हैं मुझे रेडियो उड़ान के डायरेक्ट कन्वेंशन से, जो की अभी हो रहा है गुड़गांव सेक्टर 45 में और हम है अभी सकुरा होटल में। मैं हूँ विदित और आप सुन रहे हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फ्रॉम द रेडियो उड़ान के कन्वेंशन से। मेरे साथ है अफशाना, और अफशाना जो की हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही उमदा रेडियो जो की है, और साथ साथ मेरी तारीफ कैसे ना हो। मैं तो यहाँ पे बहुत पुराना उनका सीनियर हूँ। मेरे को नमस्ते ठोकनी चाहिए आपको। नमस्ते सर, सॉरी हम इनको नमस्ते बोलना भूल गए। अपनी यानी कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ आजे विनीत, और बहुत सालों से एक शो आता था, आपने कभी सुना, कलरफुल टू ब्लैक एंड व्हाइट एरा। उस कलरफुल टू ब्लैक एंड व्हाइट एरा में जो पुराने गाने के पीछे जो आवाज आती थी वो कहीं ना कहीं मेरी थी, और कहीं ना कहीं वो जो आवाज के पीछे जो आप मेरे को कमेंट्स देते थे वो कहीं ना कहीं कमेंट आते थे। अगर आप मेरे को सुन रहे हो ना तो ध्यान कर लो, ये जो चेहरा है वो है आरजे विनीत का। अच्छे पहले आपने कभी मेरे को दिखा नहीं, फर्स्ट टाइम ऑन द स्टूडियो डायरेक्टली, ना ऐसा तो बोलते हैं जब हम ऑफलाइन होते हैं, अभी अभी ऑनलाइन है। कहा रेडियो उड़ान के कन्वेंशन पे आप मुझे सुन रहे हैं डायरेक्टली फ्रॉम रेडियो उड़ान कन्वेंशन। मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग बात बताती चलूं कि हमारे विदित जी जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान के नहीं बल्कि और इनके जो प्रोजेक्ट आते रहते हैं, ग्रीन एफ एम पे भी ये काम करते हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी जो इनका है रेडियो उड़ान का, इनका बहुत बढ़िया चल रहा है एडिटिंग में, इनका फोर्टे इज एडिटिंग, तो एडिटिंग बहुत कमाल की करते हैं। जो भी वॉइस ओवर होते हैं ये वॉइस ओवर भी करते हैं। तो इनकी मैं अगर जर्नी की बात करूँ, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। हम आपस में लाइक हमें जो है इकट्ठे काम करना होता है, एज ए टीम काम करना होता है, और बहुत मजा आता है इनके साथ टीम में काम करने में। वैसे मैं ये कन्वेंशन चल रहा है तो कन्वेंशन के बारे में जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको कन्वेंशन में कैसा मजा आ रहा है और क्या क्या खास बातें। तो बहुत मजा आ रहा है अपना कन्वेंशन की अगर बात करूँ तो, अभी जो मेरे साथ कंटेस्टेंट है और ये जो संगीत जो हो रहा है अभी बड़ा ही उमदा है। मेरे साथ कंटेस्टेंट जितने भी है एक नंबर के उमदा परफॉर्मेंस है, कलाकार है, और जो उनकी आवाजें हैं और जो उनके हिट पे हिट गाने दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर में होने वाला है हमारा सेकंड राउंड, जिसमें कुछ तो कंटेस्टेंट हमारे कट ही जाएंगे, और कटने के साथ साथ कट जाएंगे मतलब उनके नाम यहाँ से कट जाएंगे, और आगे फर्दर ग्राउंड में जितने भी जाएंगे उनमें से कोई ना कोई विजेता जीतेगा, तो एक ही जीतेगा, तो एक विनर तो एक ही होता है। लेकिन जो हमारे कलाकार है वो सारे ही विनर्स है हमारी नजर में, क्योंकि सब इतना मतलब तगड़े वाला वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और चूंकि आज 10th मार्च है और आज उड़ान आइडल का फाइनल राउंड हो रहा है और आज हमें उड़ान आइडल का विनर मिलेगा, तो हमें बहुत खुशी होगी कौन होगा विनर। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है विनर कौन होगा? कार है सिर्फ वॉइस के गाने के नहीं, हम बस सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और बाकी का काम तो जजेस के जजेस जो देंगे वो है। हमारी तरफ से सब लोग बहुत बढ़िया है, सब लोग बहुत ही उम्दे हैं। वेल थोड़ी देर में आप लोग देख लेंगे। मुझे लग रहा था मैंने सुना था जो आज एकदम मल्टी टैलेंटेड होते हैं, तो मैंने सोचा था कि आप थोड़ा सा जजिंग वो भी करते होंगे लिटिल बिट, बट ओके इट इज फाइन। लेकिन हमारे विदित वाकई में मल्टीटास्कर है, एडिटिंग के साथ वॉइस ओवर भी हैंडल कर रहे हैं और अपना शो भी कर रहे हैं। रेडियो जॉकी का जो शो उनका आता है, हमारे प्रोग्राम्स की भी कभी कभार एडिटिंग कर देते हैं, तो लाइक तो नहीं होता, ये सिर्फ मुझ पे ही निर्भर है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार सिर्फ मुझ पे है, अगर मैं नहीं हूं तो चलेगा ही नहीं इनका काम। आज मैं बोलना चाहता हूँ सबके सामने, ये जो एडिटिंग के पीछे हाथ होता है ना वो मेरा, नहीं नहीं मैं खुद एडिटिंग करती हूँ कभी कभार। चलो फाइन, चलो हमारा टीम वर्क हमारा रहेगा, अभी के लिए इतना ही काफी है। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में टीम वर्क के लिए, आपको मिलते हैं थोड़ी देर में रेडियो उड़ान के डायरेक्ट कन्वेंशन से, ठीक है? आपके पास हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्दी, शुरू होने वाला है यहां पे हमें मिलेगा रेडियो उड़ान आइडल का विनर। तो आज हम यहां से उड़ान आइडल का विनर लेके जा रहे हैं, देखिए ट्रॉफी किसके हाथ में होगी, बहुत मजा आएगा। अभी सभी लोग ना खाना खा रहे हैं, लेकिन एक्साइटमेंट सभी लोगों में है कि कौन होगा विनर। तो विनर जो भी हो लेकिन हमारी नजर में सभी विनर है। आप बने रहिए हमारे साथ इसी कन्वेंशन में, मिलते हैं आपसे कुछ समय के बाद।